नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे। पता नहीं क्यों नहीं लिया एक्चुअली। आगे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। आपने इस बच्ची के गाने को तो सुन लिया, लेकिन अब हम आपको इसकी कुछ सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी सोचेंगे कि आज की दुनिया में पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। दरअसल इंडियन आइडियल के ऑडिशन में समस्तीपुर दलसिंह सराय की सुप्रिया की आवाज में जादू है और इसकी आवाज ने सभी लोगों के दिल छू ले और इसकी आवाज सबको भाया, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया और सुप्रिया के सपनों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि सुप्रिया एक गरीब किसान की बेटी है और 3 बहन 1 भाई है और अपने माता पिता के साथ रहती है। सुप्रिया भी चाहती थी कि उन्हें एक बार इंडियन आइडियल में जाने का मौका मिले, ताकि वो भी अपनी कला को लोगों के सामने बाहर निकाल पाए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाए। लेकिन शायद उनके सपनों पर पानी फिर गया। सुप्रिया ने बताया कि वो सबसे बड़ी बहन है और उसके 3 बहन 1 भाई है। सुप्रिया ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ संगीत क्लास भी कर रही है। वो चाहती थी कि मैं अपनी कला को लोगों के सामने दिखाऊं और उसने इंडियन आइडियल में जाने का सोचा, जिसमें उनको प्रदर्शन करने के लिए पटना बुलाया गया। उसके बाद उनको कोलकाता में बुलाया गया, जहां पर सुप्रिया को एक मौका मिला और उसने अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या वजह हुई होगी जिससे सुप्रिया को अपने घर लौट जाने को कहा गया, जिसे सुप्रिया रो रो कर कहने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वही सुप्रिया ने बताया कि मैं गरीब हूँ और मैं किसी नेता या अमीर आदमी की बेटी नहीं हूँ, शायद इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम सुप्रिया के पास जाकर उनसे इंटरव्यू ले तो वो भी बताएं। पता नहीं क्यों नहीं लिया एक्चुअली। नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। हो आई होली आई हो सब रंग लाई बिन रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चिंता इस गली का फिरा आ। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चिंता इस गली का फिरा लगे रे जाने क्या हो।
सुप्रिया, बिहार से। आपका घर का आदमी आपको सपोर्ट करता है? हाँ। अब ऐसे क्या करते, कौन सी क्लास में? बीए पार्ट टू। बिहार में कहाँ? समस्तीपुर।